हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो और स्वागत है आपका एक और मैड आउट 2 के गेम प्ले वीडियो में। अब देखो, मैं आपको पहले तो स्टोरी बताता हूँ कि लास्ट टाइम हमने हमारे दोस्त जेवियर की ये टेस्ला चुरा ली थी, लेकिन जैसे ही टेस्ला चुरा के उसको ट्रक पे लोड करके लेके जा रहे थे, उसी टाइम जेवियर को पता चल जाता है कि हमने उसकी टेस्ला चुराई है। तो क्या होता है पता है, जैसे ही जेवियर को पता चलता है वो हमारे पीछे पुलिस लगा देता है और पुलिस हमको पकड़ भी लेती है। और पुलिस मेरे को जब पकड़ लेती है तो वो मेरे को सीधा मतलब पेल ही देती है। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में से बाहर आता हूँ और मुझे पता चलता है कि जेवियर ने वो टेस्ला अभी भी मतलब रखी है, उसको बेची नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको जाके फिर से चुरा लेता हूँ और वो टेस्ला अभी मेरे पास है। लेकिन टेस्ला तो चुरा ली, लेकिन अभी सीन इसके बाद बहुत खतरनाक हो गए। जेवियर ने एक माफिया को बुला लिया है मुझे पेलने के लिए। मतलब अब क्या बोलूँ भाई, वो अमीर है, पुलिस भी उसके कदमों में है, सब कुछ उसी का है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ना उसकी टेस्ला को मैं फोड़ दूंगा। यस, क्योंकि यार देखो, मेरे को उसकी टेस्ला चाहिए ही नहीं, मैं उसकी टेस्ला को आज फोड़ दूंगा और उसके बाद जेवियर को भी फोड़ूंगा। वो कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले आ जाओ यहीं पे इसकी टेस्ला को ना फाड़ के रख देते हैं। वैसे भी मतलब मेरे को इससे बदला ही लेना है, तो क्यों ना मैं बदला कुछ इस तरीके से लूँ, इसकी टेस्ला को फोड़ दूँ। मेरे पीछे पुलिस लग जाएगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, इसकी टेस्ला तो मैं फोड़ ही दूंगा। ओके, तो जेवियर की टेस्ला मैंने चुरा के यहाँ पे फोड़ दिया और इस वक्त मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है। ओके गाइस, तो जैसे तैसे पुलिस का मामला शांत हो गया, मतलब पुलिस जैसे तैसे मैं छुप गया और कुछ टाइम बाद में वापस अपने घर पे आ गया। तो अभी पुलिस का मामला शांत है, लेकिन जेवियर नहीं शांत है। उसने क्या किया, एक माफिया को बुला लिया मेरे को फोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को एक दोस्त से मिलना पड़ेगा जो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में रहता है, तो उसके साथ में जाके उस माफिया को डरा धमका के भगा दूंगा। मतलब पेलने की जरूरत पड़ी तो उस माफिया को हम पेल भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उसको आराम से मतलब, अरे यार ये गाड़ी क्यों ठोका मेरे को, इसकी गाड़ी छीनो, ये जीप लेके जाता हूँ। तो उस माफिया को धरा धमका के भगा देंगे और उसके बाद जेवियर के लिए जो ही मैंने प्लानिंग रखी है ना उसको मारने की, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले चलो मैं उस दोस्त से मिलता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग उस दोस्त के घर पे आ गए हैं। ये देखो, ये भाई अंडरवर्ल्ड में है और यहाँ पे देखो मेरा दोस्त कितना होशियार है, मतलब पूरा भेष बदल के आया है। और अभी इसने मेरे को, मैंने इसको सारी बात बता दी है, तो अभी इसने बोला है अंदर एक गन रखी है, वो उठा लो। गन तो वैसे थी मेरे पास, अभी मैं इसके साथ जाने वाला हूँ, ड्राइविंग ये करने वाला है। जेवियर ने जिस माफिया को बुलाया है उसको पेलने, तो अभी ये ड्राइविंग कर रहा है, चलो उसके घर पे चलते हैं, मतलब वो माफिया के जहाँ मिलेगा वो। हमने उसको सीधा धमकी दे दी है कि भाई यहाँ आके मिल। और ये कैसी ड्राइविंग कर रहा है, ये अंडरवर्ल्ड से है लेकिन इसकी ड्राइविंग कुछ खास नहीं है, नल्ली ड्राइविंग करता है ये तो, इससे अच्छा मेरे को ही चलाने दे देता। चलो लेकिन भाई अंडरवर्ल्ड से हल्के में मत लेना। अरे ये क्या ड्राइविंग कर रहा है, इसको तो सब ऐसे ही ठोक दे रहे हैं भाई। लेकिन चलो माफिया के पास जाते हैं और माफिया को मतलब प्यार से बात करेंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो फिर गन तो है ही हमारे पास। तो यहाँ पे उस माफिया ने हमको मिलने बुलाया था, जिस माफिया को जेवियर ने हायर किया है। आ जाओ, वो रहा साला। ये देखो भाई, कोट पैंट में आया है। तो गाइज मेरी इनसे बात हुई, लेकिन ये लोग बातों से समझने वाले नहीं है, तो इनको अब यहाँ पे जख्मी करके ही मुझे भगाना पड़ेगा। रुक जाओ, इनको ना 1-1 HP छोड़ता हूँ मैं। ओके गाइज, तो माफिया वालों को तो मैंने मार के भगा दिया है, मतलब उनको डरा धमका के भगा दिया। और यार ये गाड़ी अच्छी है, ये खटारा वैन क्यों लेके जा रहा हूँ, यही चुरा लेता हूँ ना। तो मैं सीन समझाता हूँ, देखो जेवियर ने यहाँ पे एक अपार्टमेंट खरीदा है और वो अपार्टमेंट मतलब, अभी इन लोगों को मैं मार क्यों रहा हूँ भाई, आराम से चलाता हूँ, नहीं तो पुलिस लग जाएगी पीछे। तो जेवियर ने बस यहीं पास में एक अपार्टमेंट खरीदा है और वो अपार्टमेंट में मतलब वो मीटिंग्स वगैरह करते रहता है, तो वहाँ पे ना वो नॉर्मल गाड़ियों में जाता है, अपने सुपर कार वगैरह में नहीं। तो मैं क्या करूँगा, उसकी नॉर्मल गाड़ी वहाँ से चोरी करूँगा रात के टाइम, उसको लेके जाऊँगा उस गाड़ी को, उसमें बॉम्ब प्लांट कर दूंगा और उस गाड़ी को वहीं खड़ा कर दूंगा। तो जेवियर जैसे ही सुबह उस गाड़ी को लेके निकलेगा, बूम, जेवियर वहीं पे ख़त्म। तो ये मेरा बदला है, अब जेवियर को जिंदा रखूँगा तो वो मेरे नाक में दम कर देगा, इसलिए जेवियर को जिंदा रखना मतलब इज इक्वल टू मौत है। तो चलो अभी इस अपार्टमेंट के पास चलते हैं। ओके गाइस, तो मैं उस अपार्टमेंट में आ चुका हूँ। देखो अभी अंदर जेवियर सो रहा होगा, तो मुझे इसकी गाड़ी चुरानी है। और देखो भाई यहाँ पे पुलिस वगैरह का भी पहरा है, तो थोड़ा सा मैं छुप के रहता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, पुलिस बस उस साइड से निकल जाए। ओके, तो ये है मेरा दोस्त और मैंने इसको बोला यहाँ पे पहरा रखना कि जेवियर वगैरह अगर उठ जाता है तो मुझे ये कॉल करके बता देगा। तो मैं इसकी गाड़ी लेके जाता हूँ अब, और इसमें बॉम्ब प्लांट करके लाके ना, ये भी गाड़ी देख रहे हो महंगी है,
मतलब इसके पास जितनी भी गाड़ी है ना सब महंगी है भाई, म्यूजिक बंद करो। ओके इसको आराम से लेके चलते हैं और इसमें बॉम्ब प्लांट करेंगे और लाके ना यहीं पे रख देंगे। तो अभी मेरे को मैकेनिक्स के पास जाना है जो इसमें बॉम्ब फिट करेगा। मेरे दोस्त ने मेरे को पता बता दिया है और मैंने उसको मैप में सेट भी कर लिया है, तो उस पते पे जाना है। मतलब ये अंडरवर्ल्ड वाला दोस्त मेरा ना बहुत काम का है। तो गाइज हम लोग उस रास्ते आ चुके हैं, बस अंदर ही यहाँ पे मैकेनिक होगा कहीं। अभी बहुत दूर है वैसे, इतना क्लोज नहीं हूँ मैं, लेकिन मैकेनिक के पास भाई इस गाड़ी को लेके चलता हूँ और इसमें जल्दी से बॉम्ब फिट करवाते हैं। बस मुझे पुलिस से बच के रहना है, नहीं तो फिर लास्ट वाला जो सीन हुआ था उसकी गाड़ी चुराते समय, टेस्ला जब चुरा रहे थे ना, वही सीन हो जाएगा। तो मैं मैकेनिक के पास आ चुका हूँ, ये देखो वहाँ पे खड़ा है, आ जाओ इसमें बॉम्ब लगवाते हैं। ओके गाइस तो मैंने इसमें बॉम्ब लगा दिया है, अब चलो फटाक से। भाई देखो यहाँ पे पुलिस वगैरह भी है, तो मुझे इसकी गाड़ी को ना फटाक से ले जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर इस गाड़ी की चेकिंग वगैरह होती है तब तो भाई सीन खराब हो जाएगा। पुलिस मेरे साइड में ही है लेकिन उसको कुछ आइडिया नहीं है कि जो ये गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ उससे जेवियर ठिलने वाला है। तो बस अब इस गाड़ी को वहाँ पे जाके फिर से पार्क करना है जैसे थी वैसे ही, और जेवियर सुबह सुबह निकलेगा और ख़त्म। बस यार इतना सा काम करना है, फटाक से चलता हूँ। बस अभी पुलिस ना पीछे ना पड़ जाए मेरे कि भाई गाड़ी चेक कराओ लास्ट टाइम जैसे हुआ था। और ये पुलिस वाले सीधा बात नहीं करते भाई, ये सीधा गोली मारते हैं, इसलिए अब मैं जहाँ से आया था वहीं से वापस चलता हूँ। भाई कैसे कैसे गलियों से जाना पड़ रहा है मतलब बॉम्ब लगवाने के लिए, मैं रोड से जा भी नहीं सकता ना, रोड पे जाऊँगा तो ट्रैफिक वगैरह में कहीं पुलिस ने मेरे को पकड़ा तो फिर वो सीधा देख लेगी। मैं इस पे बॉम्ब तो लगा चुका हूँ, बस इसको चलो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, बस इसको पार्क करना है। तो गाइस गाड़ी मैंने पार्क कर दी, अब मेरे को यहाँ से भाग लेना है और बस जेवियर सुबह जब उठेगा तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा, बस यही करना था। ओके गाइस तो देखो जेवियर आ चुका है बाहर अपनी गाड़ी में बैठने, सुबह हो चुकी है, बस मेरा बॉम्ब फट जाए टाइम पे। फटेगा क्या देखते हैं। ओ भाई ठीक है यार, मिशन सक्सेसफुल हो गया हमारा, हमने जेवियर को फाइनली ख़त्म कर दिया है। मतलब अपनी जो दुश्मनी थी ना वो जड़ से ही ख़त्म कर दी, मतलब जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ। इसकी टेस्ला भी जला दी, देख रहे हो तुम्हारे भाई से पंगा लिया था ना इसने, मतलब इसकी टेस्ला भी जला दी और इसको भी जला दिया, खत्म। यार दुश्मनी ऐसी रखो कि दुश्मनी रहे ही ना, मतलब दुश्मनी को ख़त्म ही कर दो कि आपकी दुश्मनी बचे ही ना। ये देखो इसकी गाड़ी, आ जाओ गाड़ी पे थोड़ा हंस लेता हूँ। ओके हंसने वाला इमोट किधर है, ये वाला है क्या, अब्यूस वाला, ये तो हंसने वाला। सल्यूट मारता हूँ, जेवियर की कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, आ जाओ। और यहाँ पे गोलियाँ कौन चला रहा है मुझे नहीं पता, अरे यार ये रुको नाच ही लेता हूँ। जेवियर को फाइनली आप उनने ख़त्म करा और उसकी यहाँ पे हो गई भाई स्वर्गवासी हो गया हमारा जेवियर। इसीलिए टेस्ला लेके शान नहीं मारना चाहिए इतना कि मैं उसको जड़ से ही ख़त्म कर दूँ। टेस्ला भी चुरा ली, टेस्ला को फोड़ भी दिया और उसके बाद इसको भी फोड़ दिया। और वहाँ पे देखो भाई यहाँ पे आसपास में पुलिस आ चुकी है क्योंकि जेवियर की अभी मौत हुई है। तो अब मैं यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ, नहीं तो पता चला फिर से मैं फंस जाऊँ क्योंकि जेवियर मर गया है लेकिन उसका बाप अभी जिंदा है। ओके गाइस तो यही था आज का गेम प्ले वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो यार लाइक करके जाना और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी, बेल आइकन को ना आप फोड़ दो जैसे मैंने गाड़ी फोड़ी जेवियर की, जेवियर को फेंक के मारो बेल आइकन पे और उसको फोड़ दो। तो हाँ मतलब सब्सक्राइब कर देना, और पिछला वाला गेम प्ले वीडियो मैड आउट 2 का आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।